अमिताभ बच्चन की झुंड क्या थिएटर में रिलीज हो पाएगी, ओटीटी पर रिलीज हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज उसको लेकर एक फैसला आया है। अक्टूबर 19 को तेलंगाना कोर्ट और सिविल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें इस फिल्म पर रोक लगा दी गई थी, और ये रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि जो कॉपीराइट उल्लंघन का मामला है वो उठाया गया था नंदी चिन्नी कुमार की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि इस फिल्म के राइट, यानी कि जो अखिलेश पॉल है जो कि कैप्टन थे इंडियन स्लम सॉसर टीम के, जिसको कि विजय बर्से ने कोच किया था, उसके ऊपर फिल्म बनाने के राइट उनके पास है। ऐसे में क्यों जो है टी सीरीज इस पर फिल्म बना सकता है, मैं आपको बता दूं। विजय बर्से जो कि कोच थे इंडियन स्लम सॉसर टीम के, उसी के जीवन पर आधारित है ये फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन जो है किरदार निभा रहे हैं। तो साल 2018 में जब कुमार को पता चला कि इस पर फिल्म बन रही है, तो उनका ये कहना था कि इसमें जो विजय बर्से की जिंदगी पर फिल्म बन रही है उसमें जाहिर सी बात है कि लाइफ ऑफ पॉल की भी दिखाई जाएगी, आप बिना उसके तो नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसे में जब राइट्स मेरे पास है तो कोई और इस पर कैसे फिल्म बना सकता है, और इसी को लेकर ये पूरा केस था। हालांकि टी सीरीज ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे हो सकता है, जब एक पब्लिक डोमेन में किसी की कहानी है तो हम बना सकते हैं, और हमारी फिल्म विजय बर्से पे है, अखिलेश पॉल पर तो है ही नहीं। लेकिन अब जो है आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है ये कहा गया कि फिलहाल जो है इस पर से स्टे नहीं हटाया जाएगा, फिल्म के ट्रायल की मांग की जाएगी और उसके बाद जो है देखकर ही इन सारी बातों पर फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल जो है झुंड की रिलीज को लेकर खबर यही आई है कि उस पर से स्टे नहीं हटा है।